हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नॉर्मल फ़ोन, ये जो आपको नॉर्मल फ़ोन है और इसका कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो इसके कैमरा क्वालिटी को एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा। नॉर्मल फ़ोन को एचडी क्वालिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ईजी प्रोसेस है। जैसे आप वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका फ़ोन का क्वालिटी लो बता रहा है, कैमरा का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आपको इसको करना क्या होगा कि एचडी क्वालिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल फ़ोन को आप स्मार्टफोन, अच्छे स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है इसी वीडियो में पूरा आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो को जरा सा भी आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो स्किप कर दीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा, इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना क्रोम ब्राउजर में चल जाना होगा। तो क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहां पर जिस कंपनी का आपका फोन है, बस उसी कंपनी का यहां पर ही आपको नाम टाइप कर देना होगा। तो बस मैं यहां पर ही टाइप कर लेता हूं, हमारा फोन है Realme 2 Pro, आप देख सकते हैं ये हमारा Realme 2 Pro का आ चुका है। और लास्ट में यहाँ पर लिखना आपको Gcam पोर्ट, हमेशा इसको लिखना होगा, तभी आपके जो फोन है, आपके फोन का मतलब इस ब्रांड के अनुसार से अपना कैमरा क्वालिटी को यहाँ पर ही दर्शाया जाता है और उसी का ऐप आता है। तो जस्ट इसको यहाँ पर डाल करके सेव कर देना है, सॉरी सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर ही देखिए, यहाँ पर ही बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है, आप किसी को भी ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, जस्ट इसको ओपन कर लेना। तो ये हमारा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद तो देखिए हमारा नाम भी आ चुका है और यहाँ मेरा नाम भी आ चुका है। तो यहाँ पर ही एक ऐप आएगा, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर ही सारा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ, आप देख सकते हैं जो कि मैंने राउंड सर्कल बनाया है। तो यहाँ पर ही देखिए सारा डिटेल है, यहाँ डिटेल भी दिया हुआ है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे आपको सारा इंस्ट्रक्शन बताना है। तो जस्ट आपको नीचे चले जाना होगा, पॉपअप नीचे चला, बस यहाँ पर ही एक ऐप आ रहा, देखिए लिंक है यहाँ पर ही, एक लिंक है। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे नहीं डाल सकता क्योंकि आपका जो अलग अलग फ़ोन होता है उसका अलग अलग ऑटोमेटिक ये जनरेट लिंक ले लेता है। तो बस आप अपना मोबाइल का नाम डालिए और Gcam पोर्ट डाल दीजिए, मैं इसका नीचे लिख दूंगा, आप वहाँ पर ही मतलब वहाँ नीचे मैं लिख देता हूँ और वहाँ से आप उसके अनुसार हेल्प मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, फिर यहाँ पर इसको ओपन कर लेना होगा, लिंक को, ये हमारा ओपन हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ओपन करने का। तो हमारा यहाँ नीचे आ चुका है, आप देख सकते हैं, जस्ट इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि मैंने सर्कल बनाया हुआ है, हम यहाँ पर इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बताएगा आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ही ओपन कैसे करना है आपको फर्स्ट में ही यहाँ पर ही शो कर जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ गया है कि नॉर्मल फ़ोन को एचडी फ़ोन को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में कंप्लीट आपको समझाया है और ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, उसी इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिए, जो कि आपका नॉर्मल फ़ोन का जो कैमरा का क्वालिटी है, ये जो कैमरा है नॉर्मल फ़ोन, इसमें आपको एचडी क्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब है सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन घंटी है उसको ज़रूर दबाइए, इसी टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।